हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जीशान जुनेजो। नेट्स अकेडमी या एजुकेशन में आप सबको वेलकम करते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमेशा की तरह हम कुछ साइंटिफिक टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। आज इस वीडियो में जो बातें डिस्कस होंगी, दरअसल वो साइंटिफिक रीजनिंग के हमारे पास 3 क्वेश्चन आए हैं फेसबुक पर डिस्कस करने के लिए। तो हम कोशिश करेंगे उन तमाम बातों को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम सबसे पहला जो सवाल है कि ब्लैक और वाइट जो दो अलग अलग कलर्स हैं, अगर वो कलर्स हैं तो ब्लैक एंड वाइट टीवी कलर टीवी क्यों नहीं होता। और दूसरा जो सवाल है वो है कि जब हम नहाते हैं तो साबुन और पानी मिलकर हमारे बॉडी को साफ करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो टॉवल को गंदा करती है। और तीसरा हमारे पास सवाल है कि एक नर्स है जिसका हस्बैंड कॉफिन बेचता था या बेचता है, तो क्या आप ऐसी नर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती रहेंगी आपको उनका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को सबसे पहले सवाल से। तो अगर ब्लैक और वाइट दो अलग अलग कलर्स जाने जाते हैं तो ब्लैक एंड वाइट टीवी जो है वो कलर टीवी क्यों नहीं कहलाता, हम उसको ब्लैक एंड वाइट टीवी क्यों कहते हैं, कलर टीवी क्यों नहीं कहते। तो चलिए दोस्तों इसका जवाब ढूंढते हैं। साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक ब्लैक और वाइट जो कलर्स हैं वो दरअसल बेसिक कलर्स नहीं हैं, वो कलर्स नहीं हैं, वो उनको आप शेडोज़ कह सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक ये दोनों जो कलर्स हैं वो बेसिक कलर्स नहीं हैं। तो अगर ये बेसिक कलर्स नहीं हैं तो ये क्या है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं वाइट कलर से, ये कैसे बनता है। तो दोस्तों ये स्क्रीन पे जो आप कलर्स देख रहे हैं, रेड हो गया, ब्लू हो गया, हमारे पास ग्रीन आ गया, येलो आ गया और साइन आ गया, मैजेंटा आ गया, तो ये तमाम कलर्स मिलके जो वाइट कलर को बनाते हैं। आप इस डायग्राम में भी देखिए कि ये सर्कल्स में बहुत सारे कलर्स हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है, साइन है, ब्लू है, मैजेंटा है, ये तमाम कलर्स मिलके इस सर्कल में बीच में वाइट कलर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम कलर मिलके मिक्सअप जो है, ये मिक्सचर जो तमाम कलर्स का वो वाइट बनाता है। आप इस एनिमेशन में क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरह तमाम कलर्स मिलके वाइट कलर बना रहे हैं। ठीक, तो इसको साबित करने के लिए आप एक प्रिज्म लें, जब सूरज की रोशनी उस पर पड़ेगी तो वो 7 अलग अलग रंगों में तकसीम होगी। स्क्रीन पे एक प्रिज्म और सूरज की रोशनी 7 अलग अलग रंगों में तकसीम होती दिखाई दे रही है आपको। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं ब्लैक कलर पे, ये किस तरह से बनता है। जिस हमने देखा कि जिस तरह से वाइट जो है, वाइट कलर जो है वो तमाम कलर का मिक्सचर है, मिक्स होकर बनता है, उसके बिल्कुल बरअक्स ये ब्लैक कलर जो है वो तमाम कलर्स को एब्जॉर्ब कर जाता है, उन तमाम कलर की एब्सेंस जो है वो ब्लैक बनती है। ठीक है, तो दोस्तों ये दो अलग अलग डायग्राम्स हैं, एक ब्लैक है दूसरा वाइट है। ब्लैक जो है रोशनी के तमाम जो एस्पेक्ट्स हैं, जो कलर्स हैं उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और जो वाइट है वो तमाम कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इसलिए वाइट नज़र आता है। नीचे 3 अलग अलग बॉल्स हैं, वाइट जो है तमाम कलर्स को सभी को जो रिफ्लेक्ट कर रहा है इसलिए वाइट नज़र आ रहा है। रेड जो है बाकी सभी को तो एब्जॉर्ब कर जाता है लेकिन रेड को रिफ्लेक्ट करता है इसलिए रेड नज़र आता है। और ब्लैक जो है वो सभी को एब्जॉर्ब कर जाता है इसलिए ब्लैक नज़र आता है और गर्मी भी पैदा करता है। जब आप गर्मियों में ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो आपको ज़्यादा गर्मी लगती है। तो अब आते हैं कि ब्लैक एंड वाइट टीवी को हम कलर टीवी क्यों नहीं कह सकते। तो दोस्तों अब तक आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने जाना कि ब्लैक और वाइट जो कलर्स हैं वो दरअसल प्राइमरी कलर्स नहीं हैं, बेसिक कलर्स नहीं हैं, वो दो अलग अलग शेडोज़ हैं, एक मिक्सचर है सभी कलर्स का और दूसरा एब्सेंट्स है सभी कलर्स का। तो प्राइमरी कलर्स क्या हैं, जब हम सूरज की रोशनी को एक प्रिज्म पे डालते हैं, जब सूरज की रोशनी प्रिज्म पे पड़ती है तो वो 7 अलग अलग रंगों में तकसीम होती है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ग्रीन, रेड और ब्लू, ये बेसिक और प्राइमरी कलर्स कहलाते हैं और यही कलर्स बाकी तमाम कलर्स को बनाते हैं। तो पहले सवाल का कंक्लूजन हमारे पास ये आता है कि बेसिक कलर्स जो हैं रेड, ग्रीन और ब्लू, उनकी एब्सेंस की वजह से हम ब्लैक एंड वाइट टीवी को कलर टीवी नहीं कह सकते। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो है कि साबुन और पानी मिलकर हमारी बॉडी को साफ करते हैं, तो वो क्या चीज़ है जो नहाने के बाद हमारे टॉवल को गंदा करती है। सोचने वाली बात है बिल्कुल। तो चलिए हम साइंटिफिक वे में इसका जवाब ढूंढते हैं कि साइंस हमें इसका क्या जवाब देती है।
तो दोस्तों नहाने के लिए हर कोई मुख्तलिफ साबुन इस्तेमाल करता है, हर कोई अपनी चॉइस के मुताबिक साबुन इस्तेमाल करता है। तो जब हम नहाते हैं तो हम पानी और साबुन का इस्तेमाल ही इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी बॉडी को क्लीन कर सकें। तो जब हम नहाते हैं तो जब हम साबुन अपनी स्किन पे लगाते हैं तो हमारी स्किन में मौजूद तमाम जो डेड सेल्स होते हैं, डेड स्किन सेल्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। और फिर जब हम टॉवल से अपना बदन साफ़ करते हैं तो वो डेड सेल्स जो होते हैं वो टॉवल की सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो जब हम टॉवल को सुखाने के लिए धूप में रखते हैं या कहीं पे टांग देते हैं तो उसकी सरफेस पे चिपके हुए डेड सेल्स में से सिर्फ कुछ ही वहाँ से हट जाते हैं, बाकी तमाम के तमाम वहीं पे चिपके रहते हैं। और बार बार यही अमल दोहराने की वजह से हमारा टॉवल मैला होता रहता है, गंदा होता रहता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे और आखिरी सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल है कि एक नर्स है, उसका हस्बैंड ताबूत भेजता है, कॉफिन सेल करता है। तो अगर आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो क्या आप ऐसी नर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं? तो आइए देखते हैं साइंटिफिकली, लॉजिकली इस सवाल का आंसर हमें क्या देना चाहिए। तो दोस्तों हमारे तीसरे सवाल का जवाब हमारे सवाल में ही छुपा हुआ है। सवाल में पूछा गया है कि क्या आप ऐसी नर्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं जिसका हस्बैंड कॉफिन भेजता था? तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसका हस्बैंड जो है वो पास में ये काम करता था, अब उसका इंतकाल हो गया है और हॉस्पिटल में जो नर्स है वो बेवा है, तो अब ताबूत यानी कॉफिन भेजने वाला कोई भी नहीं है। और मोरली भी किसी का प्रोफेशन आपको उस पर यकीन करने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों आज के लिए हमारे पास सिर्फ इतना ही था। हम अगली बार फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप सब लोगों का बहुत सारा शुक्रिया इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ये वीडियो अब तक नेट्स अकेडमी ऑफ एजुकेशन की तरफ से पहुँचाई गई।